हाय दोस्तों, मैं हूं ताहिर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक गाड़ी में अचानक कार में गाड़ी चलाते हुए एकदम उनके सामने एक बड़ा सारा सांप सामने आ गया। तो अब जैसे ही गाड़ी चलाने वाले ने जब ये सांप को देखा तो वो एकदम अचंभा हो गया और उसके हाथ पग फूल गए। फिर उसने एकदम गाड़ी रोक कर गाड़ी से बाहर निकले। तो अब भैया, हमारे पास ही में ये मामला हुआ था तो हम भी पहुँचे। तो भैया, फिर उन्होंने एकदम बाहर निकल गए गाड़ी से। तो गाड़ी से बाहर निकलते ही वो सांप जैसे ही घबरा कर वो एकदम जाकर सीट के नीचे जाकर कुंडली मार के बैठ गया। अब भैया, सब पब्लिक इकट्ठी हो गई और उसे देखने लगी। फिर उसको हमने सांप पकड़ने वाले को फ़ोन किया और वो थोड़ी देर बाद सांप पकड़ने वाले आए और उन्होंने बड़ी आसानी से उसको पकड़ लिया। तो आज के वीडियो में हम ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखेंगे दोस्तों। तो मैं हूँ ताहिर, मेरा चैनल है ऑटो इलेक्ट्रिक डॉट एंड मैकेनिकल। इसमें मैं अच्छे नए नए और जानकारी के वीडियो आप तक पहुँचाता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस वीडियो को पूरा वॉच करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो कार है इसमें एक बड़ा अच्छा सांप अंदर बैठा हुआ है दोस्तों। तो हम भी देखने के लिए गए तो हमने देखने की कोशिश की मगर वो कुछ ऐसे नज़र नहीं आ रहा था। तो हमने ये जो आप टर्बो देख रहे हैं दोस्तों, इस टर्बो के नीचे सीट के नीचे ही वो सांप बैठा हुआ था। वो तो ये जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये टर्बो है, गाड़ी का टर्बो है। तो अब कोई दोस्तों सब भी डर रहे थे तो इस टर्बो को भी कोई हटा नहीं रहा था, क्योंकि मान लो इसको हटाएं और ये सांप निकल कर कहीं भाग जाए और इधर उधर कहीं गाड़ी के अंदर घुस जाए या फिर किसी की दुकान में घुस जाए तो दिक्कत हो जाए। तो इसलिए कोई भी कोई सामान नहीं यहाँ से हटा रहा था। तो ये जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं अंग्रेजी से बता रहा हूँ, ये इस सीट के नीचे बाहर से बहुत बड़ा सांप नज़र आ रहा था। तो ये इस तरीके से देखें दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा होगा हल्का हल्का, ये देखिए। ये दोस्तों मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ये सीट के नीचे ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा इस तरीके से। तो मैंने बड़ा इसको लेने की कोशिश की मगर सही तरीके से ये नज़र नहीं आ पा रहा था दोस्तों। तो हमने फ़ोन भी किया, जो सांप पकड़ते हैं उनको, पकड़ने वाले को फ़ोन किया। हम सभी उन्हीं के इंतज़ार में थे दोस्तों कि वो जल्द से जल्द आए और इस सांप को पकड़ ले ताकि ये इधर उधर निकल कर भाग ना जाए। तो हम उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे और दोस्तों अभी वो हम ये सोच रहे थे कि वो आ जाएंगे थोड़ी देर में। ये देखिए दोस्तों, आपको ये नीचे ये नज़र आ रहा है दोस्तों, ये देखिए, ये बहुत बड़ा सांप ये अंदर सीट के नीचे ही बैठा था। तो जैसे ये गाड़ी चला रहे थे दोस्तों, तो गाड़ी चलाते चलाते एकदम ये डैशबोर्ड के अंदर से निकला था दोस्तों। तो डैशबोर्ड के अंदर से निकलते ही ये गाड़ी चलाने वाले भाई साहब डर गए और इन्होंने एकदम गाड़ी को खड़ी कर दी। तो ये फिर वहाँ से निकल कर इस सीट के नीचे जाकर बैठ गया। ये देखिए दोस्तों, कितना बड़ा सांप है, ये आपको दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। तो इस प्रकार से ये देखिए दोस्तों, ये कार है, ये शेवरलेट की कार है। तो इस शेवरलेट की कार में ये सांप निकला था दोस्तों। ये कुछ काम करवाने के लिए आए थे दोस्तों यहाँ पर हमारे पास। तो इस प्रकार से फिर एकदम सांप निकल कर सामने आ गया तो ये डर गए दोस्तों। तो फिर देखते हैं, अब सब हम उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे जो सांप को पकड़ते हैं दोस्तों। हमने फ़ोन तो कर दिया था मगर अभी तक आए नहीं थे। अब ये देखिए दोस्तों, ये भैया आ चुके हैं सांप पकड़ने वाले। अब ये गाड़ी के पास जा रहे हैं और गाड़ी में दे ये सांप को बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये भैया गए और ये देखिए, ये दोस्तों, ये इन्होंने सांप को एकदम जाकर पकड़ लिया। और ये देखिए दोस्तों, ये इतना बड़ा सांप अंदर बैठा हुआ था दोस्तों। ये तो ये सांप दोस्तों, हमने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला कि ये काटने वाला सांप नहीं है। तो ये ठीक रहा दोस्तों, को ये काटने वाला सांप नहीं है। इन्होंने आते ही दोस्तों, एक जाते ही इसको देखते ही उन्होंने जज कर लिया कि ये काटने वाला सांप नहीं है और एकदम से इन्होंने पकड़कर बाहर निकाल लिया। अब देखिए दोस्तों, ये इतना बड़ा सांप था तो इन भैया को
सलाम है दोस्तों कि इतनी हिम्मत से इन्होंने इस सांप को एकदम पकड़ लिया और फिर इन्होंने इस जो थैली है दोस्तों इस थैली में अंदर डाल दिया। और दोस्तों इस प्रकार से ये सांप की कहानी हमारी ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। तो ये देखो भैया ने इनको कितने आराम से पकड़ कर अंदर थैली में बंद कर दिया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हम भी यहाँ वीडियो बना रहे थे दोस्तों और पूरा ये सिस्टम चल रहा था। तो दोस्तों ये जो भाई साहब हैं दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये इन्हीं की गाड़ी थी और इन्हीं की कार थी और इसी में ये सांप निकला था दोस्तों। तो अब ये इनसे कुछ फ़ोन नंबर वगैरह कुछ ले रहे थे दोस्तों कि ताकि इंक्वायरी में कुछ भी अगर इनको ज़रूरत हो तो ये इनसे इंक्वायरी कर सकें और जो भी इनका सिस्टम है दोस्तों वो इनको कर रहे थे। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके के इलेक्ट्रिक से और यूट्यूब से रिलेटेड और नए नए इलेक्ट्रॉनिक के बारे में और सभी तरीके की वीडियो में दोस्तों अपने चैनल पर डालता रहता हूं। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगा हो